The Sengol is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. Yes. But Honourable Speaker, sir, it is understandable why this happened. Because the BJP has still not understood that their 303-brute majority, their Raj Tantra, has been reduced to a 240-seat minority by the Lok Tantra. They are still living in the world of the Sengol. नमस्कार मैं रवीश कुमार जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कृष्ण ने रक्षा की उसी तरह कृष्णानगर की जनता ने मेरी रक्षा की है महुआ मोइत्रा लोकसभा में आ गई हैं उनके भाषण से पता चल गया है कि महुआ अपने साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब लेने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं महुआ ने पहले ही भाषण में साफ कर दिया कि वे पहले से ज़्यादा निडर होकर आई हैं और तैयार होकर आई हैं भारत की राजनीति में महुआ केवल एक सांसद नहीं है उस लड़की की तरह हैं जिसकी आकांक्षाओं को कोई बांध नहीं सकता उसके लिए उसका ज़मीन ही आसमान है इस महिला सांसद पर जिस तरह से हमला हुआ और जिस तरह से यह महिला सांसद लड़ती रही अनुभवों की कमी के कारण वह शिकार हो गई लेकिन इस बार महुआ के पास अनुभव है और उनके साथ ममता बनर्जी भी महुआ मोहित्रा का एक सांस में बोला गया यह वाक्य हमेशा याद रखा जाएगा कि मैंने अपनी सदस्यता खो दी मैंने अपना घर खो दिया मैंने अपना यूट्रस खो दिया लेकिन बदले में उसका जो हासिल है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है मुझे डर से आज़ादी मिल गई है मैं एक दिन आप सभी का अंत देखूँगी आपकी ईडी का अंत देखूँगी आपके मीडिया का अंत देखूँगी उन जजों का भी अंत देखूंगी मैं देखने आ गई हूँ Much like Lord Krishna protected Draupadi, the people of Krishnagar have protected me. In the last year, in the last year, a lot of people look at me and say, "Oh, Mahua, you must have lost a lot. You lost your membership, you lost your house, and by the way, I also lost my uterus due to a surgery." But you know what I gained? I gained what Rahulji said: the freedom from fear. I do yes! not fear you. Yes! I will see. The your ED, your CBI, your income tax, your trolls, your media, your bought out judges, nobody can scare us. The people of India are patient. They will wait patiently for this government to fall. And I hope that whoever writes the next speech for the Honorable President of India will give her the respect and the honor due by not filling it with falsity. This government has dishonored the office of the President by giving her a script that is full of lies. दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से बर्खास्त किया गया उनकी सदस्यता चली गई जिस तरह से निकाला गया उस वक्त काफ़ी बहस हुई उसी दौरान महुआ की सर्जरी भी हुई थी यह सब महुआ मोइत्रा ने चुपचाप झेला और पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर की जनता के बीच जाकर काम करने लगी इसी दौरान ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने भी उनका पूरा साथ दिया और महुआ ने भी सीखा कि पार्टी के साथ रहकर कैसे चला जाता है नतीजा कृष्णा नगर से दोबारा जीत कर आ गई महुआ मोइत्रा ने कितनी बार खुद को संभाला होगा लेकिन हर बार वे खुद को ललकारने से रोक नहीं पाई उनका बोलना केवल एक महिला सांसद का बोलना नहीं है उस अकेली लड़की का भी बोलना है जो रात अंधेरे शहर के सुनसान में अकेले मर्दों को ललकारने लग जाती है महुआ की आवाज में मदद की पुकार नहीं बल्कि लड़ने की ललकार है हर लड़की को महुआ को बोलते हुए सुनना चाहिए तभी उसे पता चलेगा कि आधुनिक जीवन के सारे सपने उसके भी हैं उसका भी उस पर हक है वो अपनी मेहनत से महंगा चश्मा महंगी साड़ी महंगा बैग सब लेकर चल सकती है लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर उसके बारे में कहानियां नहीं बनाई जा सकती उसे डराया नहीं जा सकता कोई भी सांसद चश्मे और बैग से महुआ नहीं बन सकती वो बनती है अपने साहस से अपने बोलने की तैयारी से और मुद्दों के प्रति साफ समझ से भारत का मिडिल क्लास जिस तरह से अपनी बेटियों को मुखर बनाना चाहता है सफल बनाना चाहता है उनके लिए जैसा जीवन चाहता है वह सब महुआ मोइत्रा में मौजूद है महुआ उन्हीं सपनों से पैदा हुई एक लड़की हैं और माननीय सांसद भी राहुल गांधी के भाषण के बाद जैसे ही महुआ मोइत्रा बोलने के लिए उठी प्रधानमंत्री उठकर जाने लगे महुआ ने कहा भी कि आप मुझे हराने के लिए दो दो बार कृष्णा नगर आए मैं जीत कर आ गई हूं कम से कम मेरा भाषण तो सुनते जाइए नेता प्रतिपक्ष का भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री उठकर जाने लगे और यह स्वाभाविक भी था उनके लिए तभी तक बैठने की बाध्यता रही होगी लेकिन महुआ मोहित्रा के भाषण से पहले राहुल गांधी भी सदन से उठकर चले गए और महुआ ने दोनों का जिक्र कर आगे नजरअंदाज कर दिया महुआ की खास बात यह है उनका चुनाव वो कमजोर मुद्दे नहीं उठाती आदतन ताकतवर से भिड़ना पसंद करती हैं अदानी को लेकर लगातार बोलने वाली महुआ मोहित्रा ने इस बार उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन इस बार एक नया ताकतवर चुन लिया चुनाव आयोग और जमकर निशाना साधा फाइट ऑफ ईसी नॉट बिकॉज ऑफ द कमिश्नर्स Chosen by a government dominated panel in willful disobedience of the Supreme Court, turned a deaf ear to the most egregious violations of the Model Code of Conduct by the ruling party, by the Honourable Prime Minister with his hate filled speeches and his divisive. Religion based rhetoric. This country has been ashamed and disgusted by the language used against minorities during this campaign. Yes. Yes. This election will go down in history where an eager and compliant election commission turned a blind eye and a deaf ear against the excesses yes. of the ruling party when the MCC was in effect. Opposition leaders were arrested.

उनमें से कई न केवल संसदीय कार्यों में दक्ष हैं बल्कि अपनी पेशेवर क्षमता भी है राजनीति को उल्टा सीखना होगा कि ऐसी सक्षम महिला नेताओं से कैसे संवाद किया जाए कैसे उनके साथ चला जाए उनकी आज़ादी को उनके चुनाव को भी स्वीकार किया जाए 2019 में जब महुआ मोहित्रा पहली बार जीत कर आई तो 25 जून 2019 का लोकसभा में उनका भाषण काफ़ी प्रचलित हो गया नई सांसद के रूप में महुआ को बोलने के लिए वक्त बहुत कम मिला था लेकिन थोड़े से वक्त में महुआ ने फांसीवाद के सात खतरनाक लक्षणों को उठाकर सबको सन्न कर दिया किसी को यकीन नहीं था कि पहली बार सांसद बनकर आई महुआ उन बातों को सदन के भीतर कह देंगी जिन्हें कहने में बाहर बाहर भी कहने में दिल्ली हिम्मत नहीं जुटा पाती थी उन सात लक्षणों में पहला हमला उस राष्ट्रवाद पर था जिसके नाम पर गोदी मीडिया और आईटी सेल लेखकों को पत्रकारों को और समाज के लोगों को डराया करता था 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत से हताश निराश विपक्ष के खेमे में महुआ के भाषण ने जान डाल दी महुआ का भाषण समझने के लिए सुनने वालों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए तैयारी भी पता होना चाहिए कि पाब्लो नेरुदा कौन है और प्रतिरोध के कवियों में उनका क्या मकाम है द बीजेपी द रूलिंग पार्टी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेनी में लेटर एम मुसलमान मुल्ला मदरसा मुगल मटन मछली मुजरा मंगल सूत्रा बट नॉट वंस डिड दे मैं मणिपुर वी वी डोंट Act East. The government says we want to act East. We don't need you to act East. Look East, walk East, and most important, embrace East. I stand here for my brothers and sisters of Manipur, and I quote the revolutionary poet Pablo Neruda One morning the bonfires leapt out of the earth. One morning the bonfires leapt out of the earth, devouring human beings. And from then on, the fire. From then on, blood. Come.

और उन हिस्सों को लेकर वे एक कुशल सांसद की तरह विस्तार से बोलने लग गई दिल्ली के जल संकट का मुद्दा उठाया बुलेट ट्रेन की फिजुल खर्ची पर बोलीं और लद्दाख की जनता के लिए भी आवाज़ बन गईं याद दिला दिया कि लद्दाख में बीजेपी तीसरे नंबर पर आई है महुआ ने कहा कि अगर 370 समाप्त करने का आइडिया इतना ही महान था तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए लद्दाख में बीजेपी हार गई उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नॉर्थ ईस्ट तो कहा गया मगर मणिपुर का अलग से जिक्र नहीं हुआ राहुल गांधी की तरफ महुआ ने भी अयोध्या का जिक्र किया मगर अंदाज और संदर्भ काफी अलग था ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं टुडे इन इंडिया देर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर्स दोज ऑफ अस हु कम बाय द वोटिंग मशीन एंड देन देर मेनी हु कम बाय द वॉशिंग मशीन देर आर स्टिल पीपल हु से वेट वेट यू डोंट नो मोदी जी वेट सिक्स मंथ्स एंड सी द बीजेपी विल गेट थ्री हंड्रेड नो

इस बार महिला सांसदों की संख्या पिछली बार से कम क्यों है जिस तरह से रेलवे को लेकर उन्होंने बोला है कहा है कि आम जन की सुरक्षा के लिए रेलवे के पास कवच लगाने के लिए पैसा नहीं और उससे कहीं ज़्यादा पैसा एक रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So, the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000, and one single Ahmedabad Mumbai bullet train costs 1,8,000. Please look at the numbers. Last June in Balasore, Three trains collided, 296 people died. The ministry said Kavach was not operational on that route. Last week, Kanchenjunga Express collided with a goods train in New Jalpaiguri, 10 people died. Again, the ministry said Kavach is not operational on the route. The Economic Times had a survey which said at the current level of funding, it will take 50 years for all of India to be covered under Kavach. And you're telling us about bullet trains. सांसद सतर्क आक्रमक रहने वाली है अपने पहले भाषण में बता दिया कि उन्हें चुप कराने की कोशिश जरूर हुई मगर उन्होंने चुप रहना कभी सीखा नहीं शायद आता नहीं नमस्कार मैं रवीश कुमार